मस्त है तू, जबरदस्त है तू, बहुत मस्त है तू, जबरदस्त। वाह, इतना अच्छा गिटार बजा लेती हो तुम। बच्चों, टेंट में लौटने का समय हो गया है, आ जाओ। अरे सब जा रहे हो क्या? रात काफी हो गई है और नींद आ रही है। अरे अभी तो रात शुरू ही है और मुझे कहानियाँ भी तो सुनानी है। चलो कुछ एक्साइटिंग करते हैं। पहली कहानी मैं सुनाऊंगा, तैयार हो? ये कहानी एक गोरी पहाड़ी के पीछे के बंगले की है। लेकिन गोरी पहाड़ी नहीं, काली पहाड़ी होता है रोरो। अरे पहले काली थी, ऊपर प्लेन से ना व्हाइट पेंट का बॉक्स गिर गया, तब से गोरी हो गई। अब सुनो आगे। एक बहुत पुराना बंगला था जिसकी दीवारों पे रिंकल्स आने लग गए थे। उसके अंदर ना रात को दो लोग जाते हैं, उनका नाम है नील और निया। ये स्टोरी में हम भी हैं। अंदर जाते ही दरवाजा खुलता है, अंदर कोई नहीं है सिवाय बहुत सारे मकड़ी के जालों के। तभी एक स्टैचू के पीछे से चमगादड़ उड़कर आते हैं। बंगला इतना खाली है कि उसमें एक साथ दो फुटबॉल मैच हो जाए। What? इतना बड़ा बंगला था, मतलब वीडियो गेम वाला फुटबॉल हो जाए। फिर अंदर दिखता है व्हाइट कपड़ों में बैठा हुआ एक आदमी। ट्रैफिक पुलिस वाला अंदर क्या कर रहा है? वो ट्रैफिक पुलिस नहीं, भूत पुलिस था। फिर क्या हुआ रोरो? एक बैट आकर नील के सर पे बैठ जाता है। शू मम्मी, एकदम ऐसे ही वो बैट डर रहा था तुमसे। अच्छा फिर क्या हुआ? दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अचानक एक जोर की आवाज के साथ दरवाजा खुलता है और मैं और नहीं सुनना चाहता हूँ। नहीं, अरे हीरो क्या कर रहे हो? मैं आगे और नहीं सुन सकता। पता है वो भूत उसी पेड़ पर जाता है जिधर तुम हो। क्या, भागो! अरे अभी कहाँ, अभी तो क्लाइमेक्स बचा हुआ है। कहानी तो अब हम खत्म करेंगे। रोरो एक और कहानी, एक और कहानी। अच्छा तो सुनो। एक बार एक घर के बाहर नींबू मिर्ची लटकी हुई थी और तभी एक भूत आया और उसे पाव भाजी में डालकर खा गया। अब सीरियस, एक बार एक घना जंगल था, वहाँ कभी बारिश नहीं रुकती थी, पेड़ हिलने लगते हैं, उधर जोर जोर से बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है और भेड़िए की आवाज आती है और उसके बाद जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और फिर जंगल में ओशन से ज्यादा पानी आने लगता है। मम्मी यहाँ तक उड़ रहा है। रोरो तुम इस जगह के मिनिस्टर हो गया, जो बोल रहे हो वही हो रहा है, पेड़ हिल रहा है, बारिश हो रही है। नहीं नहीं, वो हमारी पार्टी से आया था। अरे आओ आओ तुम भी कहानी सुन लो। टाइम नहीं है, हमें कुछ और प्लान करना है। कैसा प्लान? हम नहीं बताएंगे कि विकी ने तुम्हें परेशान करने के लिए क्या क्या किया है। यस, और ये भी नहीं बताएंगे कि तुमको डराने। चुप चुप। अभी किए कराए पर पानी फेर देते। पानी ही तो फिरना था लेकिन। कहाँ जा रहे हो रोरो? मुझे डर लग रहा है।
हीरो, मुझे लगा तुम मेरी हेल्प करोगे, इफेक्ट दोगे, पर क्या इफेक्ट दोगे? तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे यहाँ पर साइड इफेक्ट हो रहे हैं और तुम इफेक्ट की बातें करते हो। टेंशन के मारे माथे पर इतनी लाइनें बन चुकी हैं कि इसमें तुम कर्सिव राइटिंग भी सीख लोगे। दोनों आपके पास बैठे थे। फिर क्या होता है रोरो? प्लीज आगे नहीं, अब मैं और नहीं सुन सकता। बाहर तेज हवा की वजह से जंगल के कुछ पेड़ गिरने लग जाते हैं। अरे बस करो रोरो, बस करो। भैया ये पेड़ सच्ची में गिर रहा है। ओहो, गिर नहीं रहा है, थक गया होगा सालों से खड़े खड़े। और उसी वक्त सबको ये एहसास होता है कि वहाँ पर असली भूत है। ओ नो, भूत की एंट्री यानी हीरो की कल्टी, भागो! छोड़ो छोड़ो मुझे, अरे छोड़ दो। हीरो प्लीज शांत हो जाओ। नील, निया शांत हो जाओ, ये तो मेरी ट्रिक थी, देखो। वाओ, तुम तो कमाल के हो रोरो, मैं तो सच में डर गई थी। ट्रबल ट्रबल मजा डबल। उफ, अब बस करते हैं। डरा दिया ना। हाँ बाबा, चलो अब सो जाते हैं। हाँ यार, सच में डरा दिया। लेकिन एक बात तो है, डराने में मजा बड़ा आता है। विक्की, अब होगा तुम पर वार। अरे बस करो। अरे ये क्या मजाक है? हाँ, क्या मजाक है? तुम खुद ही हंस रहे थे। शायद मैंने कोई सपना देख लिया होगा। क्या हुआ, तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे मेरे पीछे कोई भूत हो। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मेरे पीछे कोई भूत हो। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मेरे पीछे सच में कोई भूत है। भागो! हीरो, हीरो कहाँ हो? क्या हो गया, इतना क्यों हंस रहे हो? अरे कुछ नहीं, विक्की चला था तुमको डराने, मैंने उसी को डरा दिया। ये तो बहुत अच्छा किया। वैसे चलो मैं तुमको वो स्टोरी का एंड सुना देता हूँ। अरे नहीं, सच्चे दोस्त हो तो यहाँ बैठो और मेरा एक गाना सुनो। हाँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हीरो डर गया अब की बार। नहीं नहीं, मैं डरा नहीं हूँ, अब बस थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, डरावनी कहानी मत सुनाओ मेरे यार। ठीक है, नहीं सुनाता हूँ। अब मुझे ठीक लग रहा है, अब हम सोने जा सकते हैं। तुमको देख के तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है। आज पता चला कि तुम भूत होते हुए भी भूत की कहानियों से कितना डरते हो। तुम्हें पता है ना, टीचर ने अगले हफ्ते भी कैंपिंग रखी है और अगले हफ्ते के लिए गोस्ट स्टोरीज मैंने अभी से सोच लिए है। नहीं भूत मास्ट। जबरदस्त है तू, जबरदस्त है तू, जबरदस्त।